वेलकम गाइज टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज़ कीर्ति बालू। आज हम बात करेंगे डिफ्यूज़न के बारे में। तो उनसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा वीडियो आपको कोई भी टॉपिक रिलेटेड चाहिए तो टॉपिक का नाम देन आपको लिखना है बाय कीर्ति बालू, यानी कि आपको चाहिए माइटोसिस का वीडियो। सो माइटोसिस बाय कीर्ति बालू आप लिखोगे तो मेरा वीडियो जो है माइटोसिस का वो आपको मिल जाएगा। वैसे कोई भी टॉपिक का आपको चाहिए तो आपको ऐसे सर्च करना है और मेरा वीडियो होगा तो आपको मिल जाएगा। ओके, और मेरी चैनल का नाम है कीर्ति बालू फर्स्ट ईयर BHMS। ओके, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। सो आज हम बात करने वाले हैं डिफ्यूज़न के बारे में। सो डिफ्यूज़न आस्क द 15 मार्क क्वेश्चन यानी कि फुल क्वेश्चन। ओके, सो और जो डिफ्यूज़न है वो लास्ट 10 ईयर के पेपर में पूछा गया है 15 मार्क में, इसलिए हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। सो डिफ्यूज़न इज़ ऑल्सो नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूज़न इज ऑल्सो नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहा गया? क्योंकि वो जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूज़न में हमारी कोई एनर्जी नहीं लगती। ओके, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी लगती है, लेकिन हमारी जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है डिफ्यूज़न, उसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है, इसलिए उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, इट डज नॉट नीड एनर्जी, सो इट्स कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। और उसका दूसरा नाम है, वो है डाउन हिल मूवमेंट, यानी कि डाउन हिल मूवमेंट, यानी कि जो हमारा, जो मान लीजिए एक हिल है, ये हिल है, ओके, यानी कि एक टेकरी है। सो उसमें से हम ऐसे चढ़ेंगे तो हमें एनर्जी की ज़रूरत रहेगी, उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब हमारा जो डिफ्यूज़न है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है और डाउन हिल मूवमेंट है, यानी कि हमारी, हम यहाँ पर है और हमें यहाँ पर जाना है, तो हम ऐसे जाएंगे तो हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके, ऐसे जाने में, लेकिन ऐसे जाने में हमें एनर्जी की ज़रूरत रहेगी, इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहती, इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और डाउन हिल मूवमेंट, यानी कि हम हिल से अबोव है, उसमें से हम डाउन जाएंगे हिल से, तो उसको हम कहते हैं डाउन हिल मूवमेंट। ओके, सो ए डिफ्यूज़न है वो हमारी ये वाली जो प्रोसेस है उसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। ओके, यानी कि हम अबोव टू बिलो जाएंगे हिल में, टेकरी से। ओके, सो उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और डाउन हिल मूवमेंट्स। सो अब हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो डिफ्यूज़न मीन्स पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूज़न इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और बोथ इलेक्ट्रोमैकेनिकल ग्रेडियंट। ओके, सो पैसिव ट्रांसपोर्ट और आप लिख दीजिए डिफ्यूज़न, दोनों सेम ही है। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूज़न इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस along the concentration gradient or electrical gradient और ये जो दोनों के दोनों हैं, यानी कि बोथ को हम मिक्स करके क्या कहेंगे, उसका हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। ओके, सो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ओके, सो हमारी जो डिफ्यूज़न है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूज़न इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और बोथ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ओके, सो डिफ्यूज़न और पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और बोथ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ओके, सो ये होगी हमारी पैसिव ट्रांसपोर्ट की और डिफ्यूज़न की डेफिनेशन। देन हम बात करेंगे डाउन हिल मूवमेंट से। सो इट डज नॉट नीड एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज लाइक स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो इन रिवर। हियर द सब्सटेंसेस move from region to higher concentration to the region of simple diffusion and facilitated diffusion. Okay, so हमारी जो अब हम बात करेंगे
डिफ्यूजन के टाइप्स के बारे में. ओके, सो द डिफ्यूजन इज थ्री कैटेगरीज. हमारी डिफ्यूजन है वो थ्री कैटेगरीज की होती है. सो हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे. हमारी डिफ्यूजन है वो किस टाइप की होती है? थ्री टाइप्स की. उसमें से फर्स्ट है वो है हमारी सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर. सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर. ओके, सो हमारा फर्स्ट है वो क्या है? सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर. देन नेक्स्ट है हमारा सेकंड, वो है सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर. सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर. ये हमारा लिपिड लेयर था, ये हमारा हो गया प्रोटीन लेयर. ओके, देन थर्ड टाइप है वो है हमारी फैसिलेटेड और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन. ओके, सो सेकंड है हमारा वो है फैसिलेटेड डिफ्यूजन और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन. ओके, सो हमारी डिफ्यूजन का थ्री मेन कैटेगरीज है. उसमें से फर्स्ट है सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर, एंड कि हमारी लिपिड लेयर के थ्रू जो डिफ्यूजन होगा उसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे. एंड सेकंड है सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर के थ्रू डिफ्यूजन होगा. एंड थर्ड है हमारी फैसिलेटेड और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन. ओके, सो डिफ्यूजन की हमारी मेनली थ्री कैटेगरीज है. फर्स्ट सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर, सेकंड सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर, एंड थर्ड है फैसिलेटेड और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन. ओके, तो हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट हम सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर के बारे में देखते हैं. सो हम फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर. ओके, लिपिड लेयर के थ्रू हमारी जो डिफ्यूजन है वो कैसे होगी उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर. सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर. लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल ओनली टू लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस. तो हमारी लिपिड लेयर है वो परमिएबल होती है ओनली लिपिड सब्सटेंसेस के लिए. ओके, लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस होगी उसको भी उसको ही वो एक पार से दूसरी पार जाने देगा, यानी कि परमिएबल टू लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस. ओके, सो लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल ओनली टू लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन. लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस कौन सा है? ऑक्सीजन है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड अल्कोहल. ओके, सो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस में आएगा ओ टू, सी ओ टू एंड अल्कोहल. द डिफ्यूजन थ्रू द लिपिड लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन लिपिड्स. ओके, सो हमारी जो डिफ्यूजन है लिपिड लेयर की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भाई जो हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं. सो क्या लिखना है? डिफ्यूजन ऑफ सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये लिखना है आपको सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये हमारा हो गया प्रोपोर्शनल की साइन, प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ लिपिड्स. ओके, सो आपको क्या लिखना है? सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ लिपिड. सो यहाँ पर हमारा सिंपल डिफ्यूजन कंप्लीट हो गया थ्रू लिपिड लेयर वाला. सो सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर में आपको क्या लिखना है? हमारी जो कोई भी सेल सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन लेयर होगा और लिपिड लेयर होगा. सो लिपिड लेयर है वो परमेबल होगा लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल. एंड सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ लिपिड्स. ओके, देन हम बात करेंगे सेकंड सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर्स के बारे में. सो उनसे पहले हम ये वाली जो है डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर वाली हम एक फिगर में आपको बता रहे हैं. जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो ऐसे होगा ना. आप देख लीजिए, ऐसे होगा और ऐसे दो होगी. ओके, ए विलाई और फिमिला जैसी दो दो होगी. सो ये हमारा हो गया लिपिड लेयर, सॉरी
ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन की जो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चर हो गया। देन हमारी जो ये दो है उसको हम कहते हैं लिपिड लेयर और वन प्रोटीन लेयर होता है। ओके सो ये जो हमारे सब्सटेंसेस है लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस, ओके ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और अल्कोहल होगा, उसको तो हमारी जो ये लिपिड लेयर है वो ट्रांसपोर्ट होने देगी। ओके यानी कि उसके आर पार होने देगी और हमारा जो सब्सटेंसेस है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। ओके सो ये आपको फिगर ड्रॉ करनी है हमारी सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर वाली पार्ट में। ओके देन हम बात करेंगे सेकंड सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर के बारे में। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे सिंपल सेकंड हमारा जो है वो है सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर। सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर, डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर। सो इसके बारे में हम बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर। ओके सो इसमें हम क्या देखेंगे, सो सिंपल डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन लेयर में प्रोटीन लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। हमारी जो प्रोटीन लेयर है वो परमिएबल होगी हमारी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस के लिए, वाटर सोल्यूबल। और जो हमारी लिपिड लेयर थी वो परमिएबल थी हमारी फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस के लिए। ओके लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस के लिए लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल। लेकिन जब हमारी प्रोटीन लेयर है वो परमिएबल होगी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। ओके मेनली इलेक्ट्रोलाइट डिफ्यूज थ्रू प्रोटीन लेयर, मेनली होगा हमारा वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस में मेनली इलेक्ट्रोसाइट्स। ओके सो हमारी जो प्रोटीन लेयर है उसमें से इलेक्ट्रोसाइट है मेनली वो आर पार हो सकेंगे यानी कि परमेबल हो सकेंगे। सो हमारी उसमें दो तरह की चैनल होगी, सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल। ओके सो एक दो तरह की चैनल होगी। सो हम बात करेंगे डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर। सो प्रोटीन लेयर होगी यानी कि जो हमारा जो वो वाला जो फिगर था ना ये वाला फिगर, ये वाला फिगर में हमारा जो सोडियम पोटेशियम जैसा इलेक्ट्रोलाइट्स है वही इसमें से डिफ्यूज हो सकेगा प्रोटीन लेयर में से। लेकिन हमारे जो लिपिड लेयर है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड अल्कोहल जैसे सब्सटेंसेस आर पार हो सकेगी। यहाँ से सोडियम होगा पोटेशियम होगा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो यहाँ से हम डिफ्यूजन हो सकेगा। ओके और यहाँ पर आ सकेगा सोडियम और पोटेशियम। लेकिन हमारी जो लिपिड लेयर है उसमें CO2, O2 एंड अल्कोहल जैसे सब्सटेंसेस है यानी कि फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस वही आर पार हो सकेगी। यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी प्रोटीन लेयर में से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आर पार हो सकेंगे। ओके सो हमारा सेकंड पार्ट था सिंपल डिफ्यूजन थ्रू, वो भी कंप्लीट हो गया। देन हमारा जो थर्ड पार्ट थर्ड टाइप है थर्ड कैटेगरी वो थी हमारी फैसिलेटेड और आप कह दीजिए कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। ओके सो फैसिलेटेड और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। ओके सो उसमें क्या आएगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो फैसिलेटेड और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन इज द टाइप ऑफ डिफ्यूजन बाई विच द वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैविंग लार्ज मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स ही होगा। ओके सो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है उसको लार्ज अमाउंट में यहाँ से परमेबल होगा थ्रू द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। यहाँ पर हमारा कैरियर प्रोटीन एक्ट करेगा। ओके यहाँ पर प्रोटीन लेयर था उसमें सिंपली कुछ सम अमाउंट में ही इलेक्ट्रोलाइट्स पास हो गई, लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बॉडी में ज़्यादा होगा तो फैसिलेटेड और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन का सहारा लेना पड़ेगा। तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स वो लार्जर अमाउंट में परमेबल होगा विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, उसको हम कहते हैं फैसिलेटेड और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। ओके और वे वैसे ही होगा, यही फिगर आपको ड्रॉ करनी है लेकिन ये लार्ज अमाउंट में है वैसा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके ऐसे ओके सो हमारी जो डिफ्यूजन है उसमें थ्री कैटेगरीज थी।
फर्स्ट थी हमारी सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर, वो कंप्लीट हो गई, सॉरी सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर वो कंप्लीट हो गई फर्स्ट, देन सेकंड थी हमारी सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर वो भी कंप्लीट हो गई, देन थर्ड हमारी कैटेगरी थ्री वो थी फैसिलिटेटेड और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन, वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। देन आपको बात करेंगे हम फैक्टर ऑफ फैसिलिटेटेड और कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन के बारे में। सो उसमें हमारी जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं, उसमें से हमारा एट फैक्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो एट फैक्टर कौन सा है? वो एट फैक्टर जो है हमारी फैसिलिटेटेड और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन से अफेक्ट करता है, उसमें से फर्स्ट फैक्टर है वो है हमारा परमीएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, परमीएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो उसमें क्या आएगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमीएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सिंस द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिविटी परमिएबल, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सब्सटेंसेस कैन डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन्स। ओके, देन हमारी सेकंड होगी वो थी हमारी टेम्परेचर, और थर्ड हमारा फैक्टर है वो है कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट जी मीन्स। देन फोर्थ फैक्टर है वो है हमारा सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस, सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। देन फिफ्थ फैक्टर है वो है हमारा थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देन सिक्स है हमारी वो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, देन सेवन्थ फैक्टर है वो है हमारी साइज ऑफ द आयंस, साइज ऑफ द आयंस। एंड एथ हमारा फैक्टर है वो है चार्ज ऑफ द आयंस, चार्ज ऑफ द आयंस। ओके, तो हमारा एथ फंक्शन है जो फैसिलिटेटेड और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन में अफेक्ट करता है, उसमें से फर्स्ट है हमारा फैक्टर परमीएबिलिटी फैक्टर, सेकंड है टेम्परेचर फैक्टर, थर्ड है कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट फैक्टर, फोर्थ है सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस, फिफ्थ है थिकनेस, थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सिक्स है हमारी साइज ऑफ मॉलिक्यूल, सेवन्थ है साइज ऑफ आयंस, एंड एथ है हमारी चार्ज ऑफ आयंस। ओके, सो यहाँ पर हमारी डिफ्यूजन की वीडियो है वो कंप्लीट हो गई। सो थैंक यू गाइस।